हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आप सभी के साथ में अपना चॉकलेट प्रीमिस का जो वीडियो है बहुत जल्दी शेयर करूंगी, तो लीजिए आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं चॉकलेट प्रीमिक्स कैसे बनाना है, वो भी घर पर ही, और आप उसके साथ स्पॉन्ज कैसे बनाना है ये भी मैं बनाना बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक मग, यानी कि जार, जो मिक्सी का जार होता है वो। इसे बिल्कुल ड्राई रखिएगा, कपड़े से साफ़ कर लीजिए। फिर हम लेंगे एक कप मैदा। तो ये हम यहाँ पे मैदा ले सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे आटा भी ले सकते हैं। अब हम लेंगे आधा कप पिसी हुई शक्कर, यानी कि पिसी हुई चीनी। आप इसे घर पर भी पीस करके तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें चाहिए मिल्क पाउडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/4 कप हम यहाँ पे मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून लेंगे कॉर्नफ्लोर। इससे क्या है ना, आपका जो पाउडर है वो बिल्कुल वाइट रहेगा। अभी हम यहाँ पे चॉकलेट प्रीमिक्स बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 1/3 कप कोको पाउडर लिया है। अगर आप यहाँ पे वनीला पाउडर यूज़ भी करना चाहें तो वनीला पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अभी हम डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ इनो का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 चम्मच लेंगे बेकिंग पाउडर, और फिर हम 1/2 टेबल स्पून लेंगे यहाँ पे बेकिंग सोडा। दोनों का मेजरमेंट इसी तरीके से रखिएगा। अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं सिट्रिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या है ना, ये बहुत ही जल्दी आपके जो सोडा है उसके साथ रिएक्ट करता है और आपकी जो केक है उसको बहुत फ्लफ़ी बना देता है। तो इसका एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेंगे, यानी कि सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको ग्राइंड करना है। उसके बाद हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो लीजिए, हमारा जो प्रीमिक्स है वो बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप इसे काफ़ी लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, यानी कि 2 से 3 महीने के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप चाहो तो इसे फूड कलर ऐड करके इसे और डार्क कलर भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो कोको पाउडर यूज़ किया था वो डार्क कलर वाला है, उसे आप रख देंगे तो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो चलिए इसे चॉकलेट केक बना लेते हैं। तो पहले हमने जो प्रीमिक्स बनाया है उसको 1 कप ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ 1 कप प्रीमिक्स ले लिया है। अब मैं इसमें 1/4 कप ऑयल ऐड करूँगी। आपको इसमें दूध वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं करना है। तो अब हम यहाँ पे पानी लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी लिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, पूरा एक साथ ऐड नहीं करेंगे। उससे क्या होगा ना, आपको जितने की ज़रूरत है आप उतना पानी ऐड कीजिए और आपका जो चॉकलेट है, केक है, वो बहुत अच्छा बनेगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, तो इसका जो बैटर है वो बहुत अच्छा बनेगा। आप इसे इसी तरीके से तैयार करते रहिए। देख लीजिए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, ये इसी तरीके से गिरना चाहिए, तो बहुत अच्छा आपका केक बनेगा। बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी बनेगा और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बनेगा। तो ये देख सकते हैं हमारा जो बैटर है वो बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे साइड रख देते हैं, और जिस बर्तन में आपको केक बेक करना है वो बर्तन ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके का बर्तन ले लिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। अगर आप ग्रीस करना नहीं चाहते तो इसमें थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर सकते हैं, उससे भी आपका केक इजीली बाहर निकल आएगा। तो अभी ऑयल करने के बाद में आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, आप कोई भी पेपर ले सकते हैं। उसको इस तरीके से इस बर्तन के अंदर सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा ना, आपका केक जो है बहुत ईजिली बाहर निकल आएगा। तो अच्छे से इसे सेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमने सेट कर दिया है। अब हम इसके अंदर हमारा बैटर डालेंगे। तो चलिए इसमें बैटर ऐड कर देते हैं। बैटर डालने से पहले एक बार अच्छे से चला ज़रूर लीजिएगा। तब हम इसमें बैटर ऐड कर देते हैं। तब इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी अच्छी आई है और कितना प्यारा इसका कलर आया है। अगर आप चाहो तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका लाइट चॉकलेट कलर है तो आप थोड़ा सा डार्क भी इसको कर सकते हैं। चलिए केक को अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो मैंने इसे स्पैचुला की हेल्प से सेट कर लिया है, आप चाहो तो टैप टैप भी करके सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे बेक करेंगे। तो मैंने यहाँ कढ़ाई को 5 मिनट पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था। जैसे ये हीट होने लगेगी हम इसके अंदर इस बर्तन को रख देंगे। गैस को आप स्लो टू मीडियम रखिएगा, हाई फ्लेम पर नहीं करनी है, स्लो टू मीडियम ही रखना है। 20 से 25 मिनट में जो आपका केक है वो बहुत ही अच्छा बन करके रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसे ढक देते हैं 20 मिनट के लिए। जब हम 20 मिनट हो जाएंगे उसके बाद इसको देखेंगे। तो आप देख सकते हैं 20 मिनट से ज़्यादा टाइम यहाँ पे हो चुका है, हमारा जो केक है वो भी अच्छे से बेक हो चुका है। प्लेट बहुत गर्म होती है, आराम से उठाएगा, एक टूथपिक डाल के देखेंगे कि कहीं से ये कच्चा तो नहीं रह गया या फिर इसका बैटर जो है वो अनब्रेक तो नहीं हुआ है। तो अच्छे से आप जहाँ मर्जी चाहे उसे टूथपिक डाल करके देख सकते हैं। हमारी टूथपिक बिल्कुल क्लीन आई है, मतलब इसे हम बाहर निकाल सकते हैं।
तो आप बर्तन देख सकते हैं बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। तो चलिए इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। डिमोल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको एक नाइफ़ लेना है। नाइफ़ से इसके चारों तरफ जो है इस तरीके से करना है। जब आप इसे चारों तरफ घुमा देंगे तो उससे क्या है ना, अगर ये कहीं भी टच हो रहा होगा तो ईजिली बाहर निकल आएगा। तो डिमोल्ड करने के लिए अब हम इसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा, उसके बाद निकालिएगा। अभी आप देख सकते हो जो बर्तन है वो बिल्कुल क्लीन है और हमारा केक बिल्कुल आराम से बाहर आ गया। अब इस पेपर को भी हटा के देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका जो केक है वो कहीं से भी जला नहीं है, कहीं से भी क्रक नहीं आया, कहीं से भी कोई और प्रॉब्लम नहीं हुई है। केक हमारा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन करके रेडी हुआ है, बहुत अच्छा बना है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई केक में। अगर आप इसी तरीके से बनाओगे तो आपका केक हमेशा बहुत परफेक्ट बनेगा। इसकी ऊपर की लेयर ज़रूर निकाल दीजिएगा आइसिंग करते टाइम, क्योंकि ये जो लेयर है वो हाथों से चिपकती है, तो इसे निकाल दीजिएगा। तो मैं आपको इस केक को कट करके भी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये केक जो है बहुत इजीली कट हो गया, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी है। अब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हो, मैं इसे दबाकर भी आपको दिखा देती हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बना हुआ है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, आप जैसा मार्केट से प्रीमिक्स लाते हो बिल्कुल वैसा ही है। तो गाइज़ बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।